हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम अपने आशियाने को, जो कि यहाँ पे हम रुके थे रात भर, छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर की तरफ। निकलेंगे। सुशील भाई जी वहाँ पे खड़े, मैं देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। एक बार बाइक के पास कुछ गिर गया हो ऐसा कुछ। अब चलते हैं। सामने अच्छा वो लगा होगा डंडा वगैरह। चलो चढ़ते हैं। आगे फाइनली। अब ये लोहे का पुल है, इसको पार करना है। देख रहे झूले की तरह बना हुआ है। ये नीचे भी लोहे की शीट डली हुई है और ऊपर भी लोहे की रेलिंग और नीचे व्यास नदी। हाँ, अभी हमें मनाली के पास और अब वापस करेंगे कुल्लू की तरफ कुछ। ये हमने क्रॉस कर ली व्यास नदी और यहाँ से हम इस तरफ लेफ्ट लेंगे कुल्लू की तरफ। यहाँ पे हम रुके थे बिल्कुल रिवर साइड पे, रिवर फ्रंट पे। सामने नदी बह रही है, बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा था। तो यहाँ हमने रात बिताई, दो नाइट्स हमने यहाँ पे बिताई हैं। काफ़ी अच्छा लगा, एक अलग ही एहसास। सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं बट काफ़ी अच्छा लगा। मैं रुक के आपको एक बार दिखा दूँ, देखो पानी को व्यास नदी में। काफ़ी प्रेशर से यहाँ पे, तो पहाड़ों पे ढलान होती है तो काफ़ी प्रेशर से जा रही है यहाँ पे। तो व्यास नदी, व्यास नदी रोहतांग दर्रे में 4000 फीट के करीब से शायद निकलती है। चलो साथियों को आ जाने दो, निकल गए साथी, चलो अब हम भी चलते हैं। भाई साहब बाइक से आना ना अलग ही, एक अलग ही फील देता है। बस वगैरह में आओगे तो वो फील नहीं ले पाओगे। भाई बाइक है, जहाँ मन करेगा वहाँ पे रुक के जो भी हमें फीलिंग्स लेनी हो, प्रकृति को निहारना हो, देखना हो, वो हम आसानी से कर सकते हैं बाइक पे अपने। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहाँ मन करेगा वहाँ रोकेंगे, जहाँ मन करेगा स्लो करेंगे। और कोई बीच में शीशा कोई पर्दा नहीं है, आंखों से दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। पैराग्लाइडिंग, हाई फ्लाई, हमने पैराग्लाइडिंग तो नहीं की, पैराग्लाइडर्स को देखा। हमारे पास उतना वक्त नहीं था एक्चुअल में। यहाँ पे वक्त लेके आना पड़ेगा, आपका वक्त होना चाहिए तब आप सभी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्टिविटीज़ हैं करने को। अभी एक्चुअल में यहाँ पे स्नो वगैरह हुई नहीं है। स्नो देखने के लिए हमें अटल टनल पार करनी पड़ी। अटल टनल पार करके हम खोखसर तक गए, वहाँ पे हमें स्नो मिली। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट था एक, वो वही था कि हमें सब पहुँच रहे हैं पहले, जो मन की इच्छाएँ हैं पहले वो पूरी करनी है। मन की इच्छा पैराग्लाइडिंग की बिल्कुल नहीं थी, स्नो की थी पहले। पैराग्लाइडिंग की भी है, वो भी पूरी होगी कभी, दोबारा आएंगे कभी, या कहीं और हो जाएगी पूरी, कहीं और जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने वाइजर ओपन कर रखा है और सीधी ठंडी हवा आ रही है, पर जुकाम सा हो रहा है। बंद करता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, देखता हूँ। हेलमेट अभी गिरा था ना, तो वहाँ पे जिसके वाइजर में से कुछ निकल गया, एक रबड़ सा, वहाँ पे छोटा सा होल हो गया। वो उसकी आवाज़ शायद मे भी आ रही हो, रिकॉर्ड हो रही हो। अगर वो रिकॉर्ड होगी तो काफ़ी डिस्टर्बेंस देगी। मैंने वहाँ पे ढूंढा जहाँ पे गिरा था बट वो मिला नहीं। कपिल फैमिली रेस्टोरेंट। भाई दिल्ली से तो हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, जो हम लोकली दिल्ली में ख़रीदते हैं डबल रेट्स हर चीज़ के लगा लेना, जो भी आप खाते हो पीते हो। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। महंगा तो भाई पड़ता ही है यहाँ पे, हर चीज़ कॉस्टली पड़ती होगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते होंगे हर चीज़ के यहाँ पे पहाड़ों में। और सामने देखो वो पहाड़ पे एकदम सिल्वर गोल्डन आइस दिख रही है, धूप की वजह से चमक रही है। ऊपर पहाड़ पे ना, पहाड़ की चोटी पे, कहीं कहीं खुले में पहाड़ जहाँ पे हैं वहाँ पे धूप आई है। नीचे तो अभी धूप नहीं आई, तो मेरे साइड में भी ऊपर ऊपर धूप है।
जीवन सरल नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जब हम वहाँ रहते हैं तो कम से कम एक बार तो विजिट करें, यहाँ देखें। पहला विजिट था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। पूरा पैसा वसूल, पैसा वसूल विजिट था। मैं और भी जगह घूमने गया हूँ, बट उन सब से हट के बहुत ही अलग फीलिंग थी, बहुत ही अलग, बयान नहीं कर सकता मैं, बताई नहीं जा सकती, शब्द ही नहीं है। रुक रहे हैं क्या भाई, स्लो क्यों हो गए? मोड़ की वजह से। एक्चुअल में कल हुआ एक हादसा, मैं कह रहा था आपको कल बताऊंगा, बताता हूँ, शब्दों में ही बता पाऊंगा, उसका कोई रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह तो कुछ नहीं है उस टाइम का। एक्चुअल में हम ना रास्ते में कहीं रुके अटल टनल से वापस आते वक्त, कल रात को टाइम हो रहा था लगभग 8 बजे करीब, मनाली से भी ऊपर थे अटल टनल और मनाली सोलांग वैली में थे लगभग, हाँ सोलांग वैली में थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बाइक खड़ी कर दी मैंने, और इन्होंने भी अपनी स्कूटी खड़ी कर दी, और मतलब जहाँ, और हम खड़े हो गए थर्ड साइड में। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ भाई, सुशील भाई चिल्ला रहे हैं, मैं समझ में नहीं आया क्या हो गया इनको भाई, एकदम से चिल्लाने लग गया, आवाज़ चिल्लाने वाली मतलब अजीब से, ओ देखो देखो पता नहीं क्या। फिर बाद में बोला उन्होंने कुछ इशारा या कुछ किया कि इधर देखो इधर देखो, मैंने देखा स्कूटी उनकी भाग रही थी अपने आप ही, क्योंकि ढलान पे खड़ी कर रखी थी, मेरी बाइक तो गियर में थी उस टाइम पे, इन्होंने हैंडल टेढ़ा सही से नहीं किया, क्या नहीं किया पता नहीं, एकदम से वो भाग गई बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, मतलब ढलान पे तो इतनी स्पीड, वो कुछ ज़्यादा ही ढलान भी था वहाँ पे। तो मैं भागा उसको पीछे पकड़ने के लिए, मैंने भाग के ना कुछ उसको पीछे हाथ भी लगाया, उसको पकड़ा, लेकिन रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी, पकड़ भी कम बन रही थी क्योंकि वो तेज़ी भाग जा रही थी। तो मैंने सोचा भाई बिना ब्रेक लगाए तो नहीं रुकेगी, तो मैंने दूसरा हाथ ब्रेक पे किया, और भागते भागते जैसे ही मैंने ब्रेक पे हाथ लगाया, मतलब ब्रेक को थोड़ा हाथ टच ही हुआ होगा, भागते भागते मेरे इनका जो साइड वाला जो आप देख रहे हो ना इधर वाला जो पहिया है, उस पहिए पे पैर लगा पता नहीं क्या, एकदम से बहुत ही स्पीड में, मैं भी स्पीड में था और स्कूटी की स्पीड तो बढ़े जा रही थी क्योंकि ढलान पे, तो मैं गिर गया एकदम से बहुत ही मतलब, और राइडिंग गियर्स ने यहाँ बचाया क्योंकि जैकेट वगैरह थी, कंधे के बल गिरा बहुत बुरी तरीके से, तो कंधे पे जो सपोर्ट होता है उसने सपोर्ट दिया, हेलमेट ने सपोर्ट दिया, हेलमेट पहन रखा था, पैरों में भी राइडिंग गियर्स थे, तो बच गया। हाथों पे लगी, हाथ के ग्लव्स उस टाइप पे निकाल रखे थे तो हाथों में छोटी चोट आई, बट मतलब बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। इनकी स्कूटी सामने जाके एक दीवार सी थी, उसमें टकराई, किसी घर वर थे वहाँ पे रहते थे लोग, वो सब बाहर आगे निकल के एकदम से बहुत तेज़ी की आवाज़ आई वहाँ से, जब वो निकले उनको तो पता नहीं था क्या हुआ, वो सोच रहे थे मैं ही चला रहा हूँ, तो पूछ रहे भाई आराम से चलाओ क्या हो गया, आराम से चलाओ भाई कोई बात नहीं, लगी तो नहीं। तो हाँ मैं तो बच गया था, कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, बट हाँ इनकी बाइक स्कूटी में जो इनके सपोर्ट व्हील्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, उनका बैलेंस थोड़ा ख़राब हो गया है, वो दिखवाना पड़ेगा इनको, हल्का कुछ हुआ है बोल रहे हैं, एक तरफ को थोड़ी लग रही है मेरे को, तो दिल्ली जाके दिखाएंगे उसको जो भी है। तो ये सब हुआ था कल, काफ़ी बड़ा था, दिमाग से जा नहीं रहा था, उतर नहीं रहा था ये सब चीज़ें, रात को सोए हैं,
रात को बड़ी लेट नींद आई मेरे को, तो सुबह था जल्दी जाएंगे, जल्दी जाना है। और आज थोड़ी ठंड भी महसूस हुई यार, पता नहीं क्यों। कल तो गहरी नींद में थे तो चले गए, और आज ना थोड़ी ठंड महसूस हुई, नींद नहीं आ रही थी। शाम को छाती में ठंड बैठ रही थी, रात को आते वक्त ना सुनील भाई जी का पैर जो था भाई, वो इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया, बर्फ जैसा ठंडा हो गया। एक जगह रास्ते में आग देखी, उस पैर में थोड़ा ब्लड फ्लो कम है, इसकी वजह से और ज़्यादा ठंडा था वो। तो फिर वहाँ पे हाथ पैर वैर सेके सही से, उसके बाद हम चले। हाँ, उस हिसाब से चोट वोट तो काफ़ी लग सकता था यहाँ पे। मैं साइड में थोड़ी खड़ी करता हूँ। हम तो जैसे अपना पैराग्लाइडिंग का काम करने के लिए ना, मैं भी अपना काउंटर ओपन करने के लिए आ रहा था। अच्छा, मेरे साथ वो हो गया, मैं नीचे गाड़ी गर्म कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी कौन सी, ये वाली? नहीं, मेरा गाड़ी नहीं, मेरा गाड़ी तो नीचे। अच्छा, आपका गाड़ी का था, क्लाइंट का, टूरिस्ट का। अच्छा, टूरिस्ट का था एक गाड़ी, ये इंसानों का बचाव हो गया। सही बात है, बड़ी बात यही है। ये देख लो, और पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। ये हिसाब किताब है यहाँ भाई, तो आराम से चलाएं, बिल्कुल आराम से चलें पहाड़ों में। पहाड़ों में बिल्कुल आराम से चलें, अपनी साइड चलें। वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, और यहाँ पे क्रेजी ड्राइविंग नहीं होती, ड्राइवर्स वगैरह वैसे अच्छे ही चलाते हैं। फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, हादसे हो जाते हैं। दोनों अलग अलग रोड से आ रहे थे, होगा, हो सकता है कोई एक स्पीड में हो, ढलान है यहाँ पे, कई बार हो जाता है। काफ़ी नुकसान हुआ है, बट शुक्र है कि किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं है। वहाँ पे पूछने पे पता चला, तो यही बड़ी बात है। बस गाड़ियाँ तो बनती रहती है, सही बोल रहे थे। सही, मेरा एक्शन कैमरा ऑफ था तो मैंने बाद में ऑन किया, मैंने सोचा थोड़ा उनकी बातें रिकॉर्ड करूं। एडवेंचर काफ़ी है यहाँ पे, बस एडवेंचर के साथ साथ आपको सेफ्टी जरूर, सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना है। प्रॉपर राइडिंग गियर्स, पूरे राइडिंग गियर्स के साथ ही आए हमेशा, जब भी प्लान करें। बिल्कुल इसमें कोई धूली ना बरते कि राइडिंग गियर्स ना हो, मतलब राइडिंग गियर्स प्रॉपर हो। बाशिंग 9 किलोमीटर दूर है, ऊपर ऊपर कहीं भी चलना पड़े तो धूप मिलती मिलेगी, तभी मिल रही है। अभी साइडों में तो सर्दी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तीन तीन जैकेटें पहन रखी है, स्वेटर्स पहन रखे हैं, तो फिर उनके अंदर भी घुस रही है, ग्लव्स के अंदर, जूतों के अंदर, जबकि जुर्राब भी डबल डबल कर रखे हैं। आप जब तक सफ़र का आनंद लीजिए, सफ़र में देखिए आसपास ट्री हाउसेस वगैरह और कॉटेजेस वगैरह, नॉर्मल हाउसेस, सभी तरीके के हाउसेस हैं यहाँ पे। थोड़े ऊंचाई पे आए हैं तो यहाँ पे धूप मिली है। छाटन सेरी पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उनका वेट करते हैं। इसको देखना पड़ेगा भाई,